लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि रामेश्वर लाल कर्ण जी का, वो कह रहे थे कि प्लीज़ भाई हमारे यहाँ पे आके वीडियो बनाओ भाई प्लीज़। मैं भाई प्लीज़ मत बोलो, आऊँगा मैं, ज़रूर आऊँगा। आपने कमेंट किया तो कमेंट के साथ साथ अपना एड्रेस भी कमेंट कर देते। अगर कमेंट में एड्रेस डालने में दिक्कत हो तो भाई मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, आप मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर दिया तो भाई मैं ज़रूर आऊँगा। तो भैया बात रही प्लीज़ बोलने की, तो भैया प्लीज़ नहीं चलेगा यहाँ से, हुकुम चलेगा, हुकुम का इक्का चलेगा। बाकी अगर आप चाहें तो मेरा पीछा भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर सकते हैं। अगर भैया आप मेरे सिटी के हैं यानी गाज़ियाबाद सिटी के हैं तो भैया ज़रूर आऊँगा। अगर आप सिटी से बाहर के हैं तो मुझे सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि यार एक मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, ब्लॉग भी एडिट करने पड़ते हैं, ब्लॉग बनाने भी पड़ते हैं, सारा कुछ अकेले कर लेता हूँ, पर इसके लिए टाइम लगता है, 5 से 6 घंटा करीबन मेरे को स्टडी के लिए चाहिए, फिर 2-3 घंटा जो ब्लॉग का निकला वो करा, नहीं तो नहीं करा, इसलिए मेरे 2-3 दिन में एक आधा ब्लॉग आता है, यही रीज़न। भैया बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि एक डॉक्टर की राइटिंग ख़राब क्यों होती है, तो भी उसका रीज़न मैं बताता हूँ, पर लेकिन उससे पहले एक माहौल बनाना पड़ेगा और माहौल बनाने के लिए मुझे छत पर जाना पड़ेगा। भैया ऊपर जाने की तो हिम्मत ही नहीं है, चल दे रहा हूँ वापस ही अंदर। तो भैया बाहर जाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, ऐसी कुत्ते वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। भैया यहीं बता देता हूँ आपको क्यों राइटिंग ख़राब होती है। राइटिंग ख़राब होती है, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो उसे लिखना इतना ज़्यादा पड़ता है, लिखते लिखते जाए लेक्चर लेते हैं ना, लेक्चर लेते लेते हमें जो सब बोलते हैं टीचर या फिर प्रोफेसर उसे लिखना पड़ता है ताकि आगे काम आ जाएगा। क्योंकि यार हमारा ऐसा नहीं होता है कि एक चैप्टर छोड़ दिया, मान लीजिए मैं फार्माकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, कोई ड्रग के बारे में पढ़ रहा हूँ और वो ड्रग मैंने छोड़ दिया, तो आगे मैं पेशेंट को ये नहीं कह सकूँगा कि भैया यार मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊँगा। इसलिए भैया हर एक टॉपिक, हर एक बुक और हर एक पेज पढ़ना पड़ता अपने को, इसलिए 5 से 6 घंटा बुक को देना ही पड़ता, ये रीज़न है भाई। और लिखना इतना ज़्यादा पड़ता भाई नहीं समझोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। भैया लास्ट सेमेस्टर में मेरे करीबन 7 सब्जेक्ट थे, 7 में से 1 हमारा चाइनीज सब्जेक्ट था और बाकी के 6 जो बचे वो मेडिकल सब्जेक्ट थे, पैथोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऐसे 7 सब्जेक्ट थे। तो लिखना इतना पड़ा भाई हमें, मैं दिखाता हूँ आपको तेज़ तेज़ी में लिख कैसे पाते हैं, ये देखिए उल्टा दिख रहा होगा, तो भाई ऐसे मतलब सन्नाटेदार लिखो बस, बाद में अपने को समझ आ जाता लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आता भाई। तो ये ऐसी ऐसी मैंने 6-7 किताब 4 महीने में भर दी थी। भाई आप पता ही लग गया होगा कि क्यों ख़राब होती है राइटिंग अपनी, ये रीज़न है कि लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो भैया लास्ट टाइम मेरे ब्लॉग में एक मैसेज आया था